आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। सड़क पर दौड़ती पुलिस उस पीड़िता की डायल 100 पर दी गई सूचना पर कोतवाल के कृष्णानगर इलाके में पहुंची है, जब उसके साथ आए दो लड़कों ने नोएडा से कार में लिफ्ट के बहाने लाकर एक्सप्रेसवे पर उसके साथ बलात्कार किया और कृष्णानगर में विपिन नर्सिंग होम के पास वह किसी बहाने से उतरी है। सूचना पर PRV व चौकी कृष्णानगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता की निशानदेही पर होंडा सिटी कार नंबर UP14BJ2749 में सवार अभियुक्त सलमान पुत्र अयूब मलिक निवासी नई आबादी थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर, साजिद पुत्र रसीद निवासी नई आबादी थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर को कृष्णा नगर विपिन नर्सिंग होम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता लड़की द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह ग्रेटर नोएडा में कार्य करती है। सलमान नाम का व्यक्ति पास ही इलेक्ट्रिकल की दुकान में काम करता है। करीब 15 दिन से वह उसे जानती है। वह कभी कभी उसे ऑफिस से घर छोड़ दिया करता था। आज वह ऑफिस से करीब 5 बजे शाम को निकली कि सलमान मिला। उसने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और वह उसकी गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में गलगोटिया कॉलेज के पास साजिद नाम के लड़के को कॉल करके बुला लिया और जबरदस्ती मथुरा की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए और रास्ते में दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जो महिला है जिसने ये कंप्लेन दी है, उसका ये कहना था कि ये जो लड़के हैं वो उसके संपर्क में थे, 2-4 बार उसको घर पे ड्रॉप भी किए थे, लेकिन वो एक विश्वास की बात थी, उसको ये यकीन नहीं था कि इसके साथ ऐसा घिनौना हरकत होगा। ये लिफ्ट लेकर के वहाँ पे चले, घर जाना था ड्रॉप करने के लिए, घर जब ड्रॉप नहीं किया, दूसरे साइड में डायरेक्शन में गाड़ी रोका, तो महिला को डाउट हुआ, लड़की को जो जॉब करती है, उसने शोर मचाने का प्रयास किया, तो इन्होंने जो म्यूजिक सिस्टम था गाड़ी का उसको तेज़ किया, उसके साथ फिर गलत काम किया। और इसमें जो सबसे अच्छी बात रही कि जैसे महिला ने शोर मचाया, पब्लिक के द्वारा पुलिस के द्वारा पूरे सभी को पकड़ लिया गया इसमें, और महिला ने जो तहरीर दी है उसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है, गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया है और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पीड़िता पूरी तरीके से संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से और हम इसमें बहुत सख्त एक्शन लेंगे और इस पर हम गैंगस्टर भी लगाएंगे। सर, कल जो हमारी पीड़िता से बात हुई थी तो केवल अश्लील हरकत की बात सामने आई थी। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी जो पीड़िता है या जो भी होता है, महिला के सामने बहुत दुविधा की स्थिति होती है कि किस स्टेज तक वो बात को अपनी कहे या न कहे, लेकिन प्राइमा फेसी जाहिर सी बात है, अगर इनके मन में गलत दुर्भावना नहीं थी तो वो सीधे ड्रॉप करना चाहिए था। मथुरा इनका डेस्टिनेशन नहीं था आने का, इनको डेस्टिनेशन था मेरठ साइड में जाने का घर पे, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ से यहाँ पे लेके आ तो कोई ना कोई बात इनके मन में थी। जो पीड़िता कह रही है उस बात को हम प्राइमा फेसी सही मान रहे हैं और पीड़िता ने बड़े मतलब मजबूती के साथ बहुत ही प्रखर होकर के बातें बताई है, वो बात प्रामाणिक लगती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।